नमस्ते, मेरा नाम जो है और मैं पीपल फार्म में एनिमल वेलफेयर मैनेजर हूँ। आज हम सीखेंगे कि आप अपने पेट डॉग को पानी में रहने के लिए कैसे कंफर्टेबल कर सकते हैं। इससे आपको अपने डॉग को नहलाने में आसानी होगी और अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे नदी या तालाब हो तो आपके कुत्ते भी मजा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विनी को पानी से बहुत डर लगता है क्योंकि अभी वो छोटी है और उसको पानी के साथ और अनुभव भी नहीं है। क्योंकि विनी को पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैंने उसे इस तरह अपने हाथों में पकड़ा है। अभी के लिए मैं विनी को ज्यादा फोर्स नहीं करूंगी, मैं सिर्फ उसके साथ पानी में बैठी रहूंगी। इस दौरान आप अपने डॉग को ट्रीट देते रहिए और बहुत सारा प्यार करिए ताकि इनके लिए एक मजेदार अनुभव बने। धूप तेज होने की वजह से विनी को गर्मी लग रही है तो मैं उसके ऊपर हल्का हल्का पानी डालूंगी ताकि उसे आराम मिले। शायद इसे ये थोड़ा अजीब लगे लेकिन कुछ देर में ये शांत हो जाएगी। मैं विनी को ज्यादा फोर्स नहीं करूंगी और ज्यादा उम्मीद भी नहीं रखूंगी क्योंकि ये बहुत छोटी है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अब मैं विनी को बाहर निकाल रही हूँ। ये टॉट है। टॉट को पूरी तरह पानी पसंद नहीं है लेकिन वो पानी से बहुत ज्यादा डरती भी नहीं है। मैं टॉट के साथ भी धैर्य रखूंगी और उसे ट्रीट्स और खिलौने से डिस्ट्रैक्ट करती रहूंगी। टॉट को कडल्स और गोद पे बैठना बहुत पसंद है, तो अगर ये मेरे गोद पे चढ़ जाती है तो कोई बात नहीं, इससे उसे पानी की आदत हो जाएगी। सबसे जरूरी बात ये है कि हम उन्हें सीधे पानी में नहीं डालेंगे, हम उन्हें धीरे धीरे करके पानी के साथ कंफर्टेबल करेंगे। अगर आपके डॉग को खाना या ट्रीट्स पसंद है तो इस दौरान आप इन चीजों की भी मदद ले सकते हैं। But say I had Tot by herself in here, I would take treats with me and that would really help convince her that this is a positive place to be. मैं टॉट को उत्तेजित नहीं कर रही हूँ, अजीब अजीब आवाजें नहीं निकाल रही हूँ और ज्यादा कोशिश नहीं कर रही हूँ कि वो मेरे साथ खेले। मैं बस जितना हो सके शांत रह रही हूँ ताकि वो ज्यादा परेशान ना हो। टॉट बहुत अच्छा कर रही है। अगर वो मेरे गोद पे चढ़ रही है तो मैं धीरे से उसके पैर पानी में वापस डाल रही हूँ। आप इनके ऊपर थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं, टॉट को ये बिल्कुल पसंद नहीं है तो मैं ये बहुत ही कम करूंगी। एक बार ये शांत हो जाए फिर मैं इसे जाने दूंगी। तो जिन डॉग्स को पानी से बहुत ज्यादा डर भी नहीं लगता लेकिन पूरी तरह कंफर्टेबल भी नहीं है, आप इनके साथ ये कर सकते हैं। ये टेटर है। टेटर को पानी बहुत पसंद है इसलिए मुझे इसके साथ ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। It didn't take me much to convince him to get in here. मुझे बस उसके साथ थोड़ा सा खेलना पड़ता है और वो पानी में आने के लिए तैयार हो जाता है। टेटर जैसे डॉग्स को आप सीधा गहरे पानी में या समुंदर या तालाब में ले जा सकते हैं और उनके साथ खेल सकते हैं। ये कहीं पे भी एडजस्ट कर लेता है। फिर भी शुरुआत के लिए हम कम पानी में रहेंगे। मैं टेटर को एक अच्छा एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रही हूँ इसलिए मैं उसके साथ बॉल के साथ खेलूंगी और उसे ढेर सारे ट्रीट्स दूंगी। हमें बस इनका ध्यान पानी के अलावा किसी और चीज पर डाइवर्ट करना है। अगर बाहर बहुत गर्मी है तो इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहिए जिससे उन्हें पानी एक अच्छी चीज लगे। आप पानी में इनके लिए कुछ खिलौने भी डाल सकते हैं। टेटर जैसे कुत्ते जिन्हें पानी बहुत पसंद है, ये इनके लिए एक अच्छी शुरुआत है। हम इन्हें शुरुआत में ही गहरे पानी में नहीं डालेंगे, हम शुरुआत हमेशा कम पानी से करेंगे। ऐसे करने से धीरे धीरे उन्हें पानी से प्यार हो जाएगा।